स्वागत है बहुत बहुत आपका मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद में आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की हेडलाइंस पर। पुआया में चला नगर पालिका का बुलडोजर, रात के अंधेरे में भी हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, कार्रवाई के बाद से व्यापारियों में रोष। सिंधौली क्षेत्र में टाइगर की दहशत बरकरार, लगातार मिल रहे टाइगर के पंजों के निशान, वन विभाग की टीम भी कर रही टाइगर को ट्रेस। पत्रकारों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने किया प्रेस क्लब भवन का औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं के मिलने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी, कहा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। जलालाबाद के अमापुरा मेला गांव में किसान के साथ दबंगों ने की मारपीट, खेत पर काम करते वक्त दबंगों ने किसान पर किया हमला, किसान बोला जान से मारने की धमकी भी दी गई। पावरकांट में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, किसानों ने विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर की नारेबाजी, कहा बिजली न मिलने पर किसानों की फसलें रही सूख। आज तिलहर नगर में एसडीएम राशि कृष्णा और औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर से दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। औषधि निरीक्षक के साथ एसडीएम भी मौजूद थे। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी गई है कि एक्सपायर और नशीली दवाओं की बिक्री ना करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंडा में किशोर के साथ दबंगों ने मारपीट की है। कुआया का रहने वाला युवक बंडा से वापस लौट रहा था, उसी दौरान रास्ते में टोल प्लाजा के पास युवक को रोककर मारपीट की गई। युवक ने पुलिस को शिकायत देकर अब कार्रवाई की मांग की है। जलालाबाद क्षेत्र के बझेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने दो युवकों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बझेड़ा के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमा वापस लेने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच की बात कह रही है। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी एस आनंद ने कई थानेदारों के तबादले किए हैं। तबादला करते हुए रौजा, पुआया और थाना रामचंद्र मिशन सहित थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। सांसद अरुण कुमार सागर ने आज जलालाबाद और मिर्जापुर क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्राम प्रधान भी वहां मौजूद थे। ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्याओं को सांसद ने सुना और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। पुआया नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका की टीम ने रात के अंधेरे में भी बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव और पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस वीर कुमार भी मौजूद रहे। नगर पालिका की टीम ने व्यापारियों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया है। यहाँ कई जगह पर नालों को ढका गया था, जिसे बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। सायहापुर पुलिस का ऑपरेशन पाताल लगातार जारी है। पुलिस ने 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बीते 24 घंटे में इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र, कच्ची शराब और ताश के पत्ते सहित नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने 7 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। तेलहर थाना क्षेत्र के धनेला गांव के पास बोलेरो पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार एक महिला सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बोलेरो में सवार सभी लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नैनीताल जा रहे थे। घटना आज दोपहर करीब 2 बजे की है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और अपर जिलाधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने जिला सूचना कार्यालय और प्रेस क्लब भवन का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेस क्लब भवन में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक न होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। दरअसल कल जिले के पत्रकारों ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से प्रेस क्लब भवन में पेयजल और साफ सफाई न होने की शिकायत की थी,
जिस पर संज्ञान लेते हुए आज जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और संबंधित को दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की बात कही। सिंधौली क्षेत्र के कीरतपुर और चंदपई गांव में जंगली जानवर के मिले पंजों के निशान को वन विभाग की टीम ने टाइगर के पंजों के निशान बताया है। वन विभाग की टीम ने आसपास के लोगों को उस ओर ना जाने की सलाह दी है। वन विभाग ने कई जगहों पर कैमरे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि 26 मई को वन विभाग के कैमरे में टाइगर की तस्वीर कैद हुई थी, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां टाइगर कई महीने से घूम रहा है। सबसे पहली बार 8 मार्च को उसके पंजे देखने को मिले थे, जिसके बाद 24 मई को भैंस के बच्चे पर भी टाइगर ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। भैंस के बच्चे पर टाइगर के हमले के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और अब टाइगर की निगरानी की जा रही है। यूपी डायल 112 की टीम लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक कर रही है। टीम द्वारा आज घंटाघर में LED स्क्रीन के जरिए डायल 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। अल्लागंज थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर ढाबे के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि फरुखाबाद जलालाबाद स्टेट हाईवे पर हुल्लापुर गांव के पास ढाबे के पास सड़क किनारे युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज प्रदर्शन किया। किसान यूनियन ने कांट के विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते किसानों की फसलें सूख रही हैं। थाना जलालाबाद के अमापुर अमेला गांव में किसान के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। अमापुर का रहने वाला किसान अरविंद खेत की जुताई कर रहा था, उसी दौरान गांव के दबंग पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। किसान का आरोप है कि उसे गोली मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल अब पीड़ित किसान ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।